हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा रेसिपी है कस्टर्ड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। ये एक कटोरी मैंने सेब काट रखा है, छोटे छोटे सेब के मैंने पीसेस कर रखे हैं। ये एक कटोरी मैंने बनाना काट रखा है, इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर रखे हैं। ये एक कटोरी मैंने अनार लिया है कस्टर्ड में डालने के लिए। ये 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर है। ये शक्कर लिया है मैंने, जो स्वाद के अनुसार हम कस्टर्ड में डालेंगे। और ये 1/2 लीटर दूध कस्टर्ड बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हम कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इसमें अब हम दूध डाल देंगे। दूध को हल्का गर्म होने देते हैं। दूध हल्का गुनगुना हो गया है, इसमें हम कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा दूध लेके इसका घोल बनाएंगे। ठंडे दूध से हम घोल नहीं बनाएंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। गुनगुने दूध में लेंगे तो इसका पेस्ट एकदम सॉफ्ट और इसमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ेंगी, सॉफ्ट बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घोल बन के तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, आप कस्टर्ड किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं। शुगर आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया है। अब इसे हम पाँच से दस मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध हल्का गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। उससे पहले हम आंच को धीमी रखेंगे। कस्टर्ड को हम एक साथ दूध में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये नीचे जाके जमेगा और इसे बहुत सावधानी से आपको 5 से 10 मिनट अच्छे से चलाना होगा। इसलिए हम कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दूध में ऐसे ऐसे और दूध में मिक्स करेंगे, ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छे से मिल जाए और नीचे जले भी ना। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कस्टर्ड डाल दिया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट अच्छे से चलाएंगे। हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। ध्यान रखें फ्रेंड, इसे ऐसे छोड़ना नहीं है, इसे चलाते रहना है, वरना नीचे से कस्टर्ड जल सकता है। और इसे 5 से 10 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। इसे चारों तरफ से अच्छे से चलाएं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं गैस को बंद कर दूंगी। मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। अगर आप पकाना चाहते हैं तो आप इसे और गाढ़ा कर सकते हो। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये मैंने एप्पल डाला, ये बनाना और ये थोड़ा अनार हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसमें आप ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें बादाम डालूंगी। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक
बर्तन में निकाल लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कस्टर्ड बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, गार्निशिंग के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे हम फ्रिज में 3 से 4 घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना, बस फ्रिज में रखना है। हाँ फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ना लिखना ना भूलें मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।